day, and just come with you. Should I have mine for me? Namudu, Uttari, Adar, Sabe, Kari, Wal, Nadi, Mahu, Tanisa, Aur, Sabi. Amma, Vaad, Pad, Khalanda, Uttavara, Kavakala, Ki, Salami, Nadi, Wal, Purpal, Nadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إشارة تربية سن لو خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ اللہ سے अल्लाह ताला के जो दोस्त होते हैं उनके लिए ना कोई खौफ है और ना वो कभी हमी होंगे अनिदा होंगे। इस आयत शरीफा के जरिए अल्लाह ताला ने और यह अल्लाह का मंत्र बयान फरमाया है। पहले ये जान लेना चाहिए कि विलायत क्या है। वली से कहते हैं, वली का क्या मुकाम है, जिनका अल्लाह के पास क्या मरतबा है। लोग हमेशा से विलायत का इंतजार करते चले आते आज भी ऐसे अपना मौजूद हैं जो विलायत का इंतजार करते हैं और ये अल्लाह का इंतजार करते हैं और ये अल्लाह की करामतों का इंतजार करते हैं। बताया है, उनकी जबानों का एक ही नारा रहता है और वो है तो कुरान और अहादीस काफी है। अहादीस भी वो जो बुखारी के अंदर मौजूद है। इसके सिवा हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पहले हमारे पास मौजूद है ऐसी सूरत में हमको नजरायत की जरूरत है ना मुझे अल्लाह की जरूरत रहती है। ये सब ढोंगी बातें हैं नजरायत की बात करना और ये अल्लाह के तालों से उनके सामने सर तस्लीम खत्म करना, उनकी खिदमत में जाना, उनसे भैयत होना या उनकी खबरों पर जाना, मज़ारों पर जाना, उनका फातहा करना, उनका उर्स करना, उनके तरफ से न्याज करना, ये सारी बातें बेकार हैं बल्कि शरीयत से हटी हुई बातें हैं, बल्कि कुफ्र में शामिल हो जाती हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि इनके तरफ से अपने आप को दूर रखें। आजकल इस पसंद की जहनीत परवरिश पा रही है और वो खामखा अपनी तरफ से ऐसी तहनीत को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी चंद अफराद ऐसे पैदा हो चुके हैं जो गैरों का देखा देखी हमारे पास भी इस फसल की तहनीत को आगे बढ़ाने की और लोगों में उसकी तशहीर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको कुरान हादीसी की रोशनी में विलायत के तालुक से और हमें अल्लाह के तालुक से ये भी बात करता हूँ कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप विलायत को समझें। क्योंकि माना शेर मोहम्मद बेमोली मैके माउद रहसाम के मनसबों में से एक अहम मनसब खातमे विलायत मोहम्मदिया है। जब मोहम्मदी विलायत का ही कोई जिक्र नहीं है तो वो लोग विलायत का इंतजार करते हैं तो उनका मंशा क्या होता है, खात्मे विलायत का भी इंतजार कर लिया जाए। खात्मे विलायत के मुकाम को गिराने के लिए वो विलायत का इंतजार करते हैं। जब विलायत का तसव्वुर ही नहीं है तो फिर खात्मे विलायत का तसव्वुर कहाँ से आ सकता है। इसलिए मैंने आज आपके सामने कहा था कि विलायत और औलिया अल्लाह के तरफ से ध्यान दूंगा ताकि आपको पहले विलायत मालूम हो जाए, फिर उसके बाद औलिया का मुकाम मालूम हो जाए, उसके बाद आप समझ सकेंगे कि खात्मे विलायत किसे कहते हैं। और बेटे माऊद अलैहिस्सलाम ने जो खादिम को हम खात्मे विलायत मोहम्मदिया
अपनी तरफ से कहते हैं या इंडियन इसके तालुक से भी हमारे पास कुछ दराय मौजूद हैं, इसलिए से आप इंदिरा की उनकी बात को सुनकर अपने इतिहाद में खराबी पैदा करने की कोशिश न करो, बल्कि आपको चाहिए सही बात मालूम करने की कोशिश करो, उसके बाद उस बात को अपने दिल में लगा देते हुए सही अकीदा रखने की आप कोशिश आपको करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ। लोग फकत नबूवत को मानते हैं, लोग फकत नबूवत को मानते हैं, और यह सबको मालूम है कि नबूवत इनकार करने की चीज नहीं है। जब सही साबित हो जाए किसी नबी की नबूवत, तो हम सबको चाहिए कि उस नबी की नबूवत पर ईमान लाना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितनी नबूवतें आईं, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, वो सब के सब पर हक हैं। लेकिन हमको अमल जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से, की विश्वास से जो अहकाम साबित हुए हैं, अब हमको उनको मानना है और उसी नबी की शरीयत पर हमको अमल करना है। लेकिन न पहले रुकने वालों की नबूवत का इनकार करना है और न उन पर नाज़िल शुदा किताबों का इनकार करना है, ये तस्दीक करना है कि वो नबी ही बरहक थे और वो उन पर किताबें नाज़िल हुई वो किताबें भी बरहक थीं, इस बात को मानकर चलना है, इस पर किसी का इतराज़ नहीं हो सकता। उसके साथ साथ एक और बात भी आपको मानना है, जो दाखिल ईमान है और दाखिल इत्तेहाद है, वो ये है कि जब हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, इसके बाद किसी नबी के आने की गुंजाइश भी नहीं है, इसलिए आपको खातमुन नबीयीन के नाम से याद करते हैं। इस एतबार से अब अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, बातिल है, ऐलान करने वाला काफ़िर है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हदीस के जरिए से फरमा दिया, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो उसके बाद वह नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये बात तो सबको मानना भी चाहिए, अब किसी नबी की गुंजाइश नहीं है, न किसी की शरीयत की गुंजाइश है, न किसी नए किताब की आसमान से अल्लाह के फ़ज़्ल से आने की गुंजाइश है। हमारे एतक़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, हमारा एतक़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई और अल्लाह ताला की आखिरी सच्ची आसमानी इल्हामी किताब है, उसके बाद और कोई किताब आने वाली नहीं है। हमारा एतक़ाद ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर चले हैं, हम उसको शरीयत मुहम्मदी के नाम से याद करते हैं, और उस शरीयत से हट कर अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, वो सिवाय जहन्नम के और कहीं ले जाने वाला नहीं है। तो हमको शरीयत मुस्तफ़ा से न सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए, बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की भी पूरी पूरी कोशिश इस यकीन के साथ करनी चाहिए कि यही वो शरीयत है, यही वो रास्ता है जो हमको अल्लाह तक पहुँचाता है, नजात दिलाता है। इससे हटकर जो कीड़े मेरे रास्ते पैदा होंगे, वो रास्ते हकीकत में सिरात मुस्तकीम से हटे हुए रास्ते होंगे और सब के सब जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जैसा कि हज़रत सादी अलैहि सलाम ने फरमाया, खिलाफ पैगंबर कसेरा मजीद हरगिज़ लो मंज़िल न ख़ाह रसी, के पैगंबर के रास्ते से हटकर अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा तो फिर उसको सिवाय वो जहन्नम के और कहीं पहुँचाने वाला नहीं है। तो आपको यकीन होगी आप चलन में आगे। उसके बाद एक बात मेरा यकीन पैदा होती है, सर क्या बात है, हम कहते हैं अगर वली ना होते कुरान शरीफ में इन्ना औलिया अल्लाह का जिक्र ना करता, अल्लाह के दोस्त हैं, तो मालूम ये होता है कि नबूवत के अलावा भी चंद एक रास्ता है जिसको हम वली विलायत के नाम से याद करते हैं, अगर कि वो विलायत नबूवत ही के रास्ते से महफूज है, उसी से निकाली गई है। तो वली उसी को कहते हैं, उस हस्ती को कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के जायज़ हुदूद के अंदर रहकर
अल्लाह ताला को पाने की कोशिश करता है उसी को वली के नाम से याद करते हैं और उसी रास्ते को विलायत के नाम से याद करते हैं। अब उससे ऊंची बात आपके सामने रखूँ कि विलायत का इंतजार मत करो, इसलिए एक है नबूवत और एक है विलायत। नबूवत के माने खबर देने के होते हैं, नबूवत के माने खबर देना। क्योंकि कुरान में इतना ज़्यादा बात कर रहा है दवाई हजीर, जो आपसे बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं, क़यामत के बारे में पूछते हैं, तो नवा के माने खबर के, नवा अजीम के माने बड़ी खबर के, तो नवा के माने खबर के होते हैं और नबी के माने उस हस्ती के होते हैं जो किसी को खबर देने वाला होता है, उसको नबी के नाम से याद करते हैं। तो इस एतबार से आम अगर मानने में तो आप चंद्रपटन में बैठे हुए हैं, बेंगलोर में कोई हादसा या वाक़ हुआ, वहाँ से एक आदमी आकर आपको उस वाक़े की खबर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? लोहर के डिक्शनरी के एतबार से उसे नबी कहते हैं और जो खबर दी जा रही है उसको हर आदमी ने नबा के नाम से याद करते हैं। तो हर खबर देने वाले को नबी के नाम से याद करते हैं, लुगत के इतिहास से, डिक्शनरी के इतिहास से। मगर शरीयत के इस तरह में नबी उस हस्ती को कहते हैं जो अल्लाह की जानिब से खबरों को देता है, चाहे उनका ताल्लुक माँ बाप से हो या उनका ताल्लुक माँ बाप से हो। तो वो खबरें जिनको आम लोग नहीं जानते, उनको खुदा की मालूमात के सही हाल की बुनियाद पर जो लोगों को खबर सुनाता है उसको कहते हैं नबी। तो मालूम हुआ हर खबर देने वाले को नबी नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से खबर देने वाले को नबी के नाम से याद करते हैं, जो नबी की बात हो गई। अब जब अल्लाह ताला खबर देता है, नबी का काम यह है कि खबर पहुँचाए, तो जब एक हस्ती पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को खबर पहुँचाता है जो उसको अल्लाह की तरफ से मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी नबूवत का ऐलान किया तो आप कोहे सफा पर चढ़ गए, चढ़कर लोगों को आपने आवाज़ दी जैसा कि वहाँ का तरीका था, आवाज़ दी तो उस आवाज़ को सुनकर सब लोग दामन में जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जो इधर भी देख रहा हूँ और पहाड़ के उस तरफ भी देख रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ पहाड़ के इस तरफ एक लश्कर है जो तुम पर हमला आवरने की तैयारी कर रहा है, हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे? तो सब लोगों ने कहा आप ऊपर इधर भी देख रहे हैं और पहाड़ के उस तरफ भी देख रहे हैं, तो आप जो खबर देते हैं वो खबर बिल्कुल सही खबर है। आपने मुझे पहले उनसे कन्फर्म कर लिया, तस्दीक कर ली, उसके बाद आपने फरमाया इसी तरह मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ दुनिया को भी देख रहा हूँ और आखिरत को भी देख रहा हूँ, मैं इस तरफ भी देख रहा हूँ और उस तरफ जाने भी देख रहा हूँ, दारे दुनिया को भी देख रहा हूँ और दारे आखिरत को भी देख रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि दारे आखिरत को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि फकत ये दुनिया की जिंदगी ही नहीं है बल्कि एक आखिरत का भी दरवाजा है, आखिरत का भी दार है, इसलिए तुमको चाहिए कि तुम मुझ पर अल्लाह पर ईमान लाकर ऐसे काम करो कि जिसकी वजह से वो जो लश्कर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है वो तुमको उससे तुम बच जाओ और अभी से अपने उसके अमल के जरिए से उसकी तैयारी कर लो और
พิหารยาเนี่ยกามาเกิดมาตัวลูกเนี่ยบุราบาราเกิดสุดาดีอาแค่ขาเนี่ยหาการมาตานะอันนี้ยืนบนเนี่ยที่ทุนเนี่ยทุนจะมาเกี่ยห์ทับสวาลีเนี่ยที่รัสูลาสัลลัลสัลลัมที่อื่นลูกคนกีตาที่สุนียาคุณเด็กเกิดที่อาค่าเย่แค่นะที่ผมเนี่ยไม่อุตส่าห์พี่เด็กรักหูตัวเย่หัวเองนบีที่ตับลีกที่สามเนี่ยข่าวดีเรื่อยเองแล้ววัวที่มารู้มาท่านก็รับสิบหัวเองที่คุณก็เรียกเขาว่าบีดิสเล่ย์ดิสเล่ย์ที่วันนี้การทารุอัลลอฮ์จะว่าท่านแล้วนบีการทารุบักลุกจะว่าท่านจนถ้าคุณอัสตีก็อัลลอฮ์ที่ด้านนี้เสียมารู้มาท่านไม่ได้คุณรับแต่คุณอัสตีลูกคุณสามีแก่แบบนั้นสักทีเองइस वास्तव में फरमाया इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैहि मेरे पास जो वही की जाती है उसके सिवा मैं किसी और चीज की इत्तबा नहीं करता। मालूम यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक वही की जाती है और वही सबके सामने होने वाली चीज नहीं है, वही सबके सामने होने वाली चीज नहीं है। कोई टेलीग्राम की है कि क्या साथ भेज दें और आप पढ़कर लोगों के सामने सुना दें, ऐसी चीज भी नहीं है। फिर उसका जरिया क्या होता है? तो उसका जरिया खास से होता है, वो ये होता है कि जिसको खबर देना होता है उसे अल्लाह ताला अपने करीब कर देता है, अपने करीब कर देता है। अब आप यहाँ जमाना, मकान, मसाफत और बशरियत ये सब के सब अलग हो जाते हैं। जब तक बशर है ये सब चीजें आती हैं, जब तक बशरियत है सब चीजें आती हैं। क्या है? नजदीक है, मैं कैसे जाऊं जाऊंगा, ये क्या है? ये बशरियत है। फिर कहेंगे मैं कम वक्त में मैं कैसे जा सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट है, मैं एयरपोर्ट फ्लाइट को पकड़ना है, मैं 5 मिनट में जा नहीं सकता। तो ये भी क्या है? वक्त की तंगी किसके लिए होती है? बशरियत के लिए होती है। तो जब तक बशरियत है उस वक्त तक ये मसाफत, जमाना, मकान ये सब गिरे रहते हैं, और जब बशरियत खत्म हो जाती है तो ना जमाना रहता है, ना मकान रहता है, ना मसाफत रहती है। तो रूह को जाने के लिए पांव की जरूरत होती है, रूह को जाने के लिए पांव की जरूरत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी होता है। तो क्या सोचते हुए मदीना में रसूलुल्लाह कहाँ से चलकर हमारे पास आते भी होंगे, वापस जाते भी होंगे? ऐसा नहीं होता, बल्कि रूह की लताफत ऐसी